हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, सलमान खान बॉलीवुड के जो है सबसे बड़े एक्टर, और फ्रेंड्स, जितने भी बॉलीवुड में एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, सबसे ज़्यादा स्टारडम रखने वाले सलमान खान, जिसने जो है अपनी मूवी यानी कि राधे को OTT पर रिलीज़ करके जो है एक मिसाल कायम कर दिया है। और जितने भी जो है बॉलीवुड में एक्टर डायरेक्टर हैं, सबको जो है एक मुकाम बन दिया है कि भाई, अगर कोरोना में तुमने अगर अपनी पेंडिंग मूवी को जो है जो रिलीज होने वाली है, बट कोरोना की वजह से तुमने जो उसको पेंडिंग में रखा है, पोस्टपोन करके रखा है, उसको जो तुम जो है रिलीज़ कर सकते हो OTT पर। क्यों फ्रेंड्स? इसका एक रीज़न है कि सलमान खान की फिल्म या तो थिएटर पर रिलीज हुई तब भी धमाल मचाती थी, जितनी उसकी लागत है उससे ज़्यादा कलेक्शन करती थी, वैसे ही फ्रेंड्स OTT पे रिलीज होकर भी इसने जो है एक मुकाम कायम कर दिया, एक रिकॉर्ड बना दिया है। फ्रेंड्स, इसने जो अभी तक ये 12 दिन में, 12 से 13 दिन में, या आज फ्रेंड्स इसको 13 दिन हो चुका है, और 13 दिन में जो इसने जो है, सिर्फ मैं इंडिया की बात करूँ तो इसने जो 350 करोड़ का कलेक्शन किया है। जी हाँ फ्रेंड्स, 350 करोड़ का कलेक्शन किया है। ये कोई छोटा रकम नहीं हुआ, छोटा अमाउंट नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। सो फ्रेंड्स, इसी को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि फ्रेंड्स जो मूवी अभी अटकी हुई है बॉलीवुड में रिलीज होने को, जिसको जो कह रहे हैं कि कोरोना जैसा पैंडेमिक थम जाए, कंट्रोल में आ जाए, उसके बाद हम रिलीज करेंगे इसको सिनेमा में, जैसे कि फ्रेंड्स सूर्यवंशी, बेल बॉटम, 83, ये सब मूवी जो फ्रेंड्स, अब इनका भी जो है माइंड चेंज हो रहा है, और कह रहे हैं इसको भी जो हम जो सीधा OTT पर ही रिलीज करेंगे, अगर ये थिएटर नहीं खुला तो OTT पर भी इसको रिलीज कर सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स दिया ना सलमान खान ने औरों को भी मोटिवेट। सो फ्रेंड्स, हमारे भाई है ही ऐसे दिल से भी और दिमाग से भी, यारों के यार, दोस्तों के दोस्त और दुश्मनों के दुश्मन। सो फ्रेंड्स, ये था सलमान खान की अभी तक राधे का कलेक्शन, वो भी इंडिया का फ्रेंड्स, आउट ऑफ कंट्री का अलग है, ओवरसीज़ का अलग है, वहाँ का अलग ही चल रहा है कलेक्शन, बट जो बाहर का जो कलेक्शन है वो सारा जा रहा है कहाँ, गिव इंडिया में, यानी कि COVID-19 रिलीफ में। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया अपडेट आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।